हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छा होममेड बॉडी लोशन, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही इफेक्टिव है। तो आप जब इसको बनाएंगे ना, तो आप इसे यूज करेंगे तो आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। ये बिल्कुल असरदार है। और जैसे कि सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में हाथ पैर जो है ड्राई रहते हैं, जैसे कि नहा कर आते हैं या हाथ पैर जैसे धो के आते हैं तो थोड़ा सा ड्राई रहते हैं हाथ पैर, तो उसके लिए जो है ये होममेड लोशन बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये सिर्फ जो है लोशन का काम नहीं, बल्कि उन्हें जो है अगर आपकी स्किन जो है ड्राई है तो उसको भी ये ठीक करने में आपकी मदद करेगा। और बहुत ही सस्ता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गुलाब जल है। और ये हमें इतना नहीं लगने वाला, बस ये हमें बस दो दो चम्मच ही हमें काफी है। तो ये देखिए यहाँ पे 45 का है और ये 125 ml में है ये, और हमें ये बहुत कम लगेगा, इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और ये जो ये ग्लिसरीन है ये भी देखिए 51 का है रेट है इसका, और 50 ग्राम में है ये। और ये नींबू तो आप जानते हैं ये कितने का, 1 या 2 रुपए का होगा। इसका जो है हम अभी लोशन बना तैयार करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस नींबू का जो है रस निकाल कर लाती हूँ और उसके बाद जो है हम लोशन बनाना शुरू करेंगे। देख सकते हैं ये मैंने एक नींबू का जूस निकाल दिया है, इसे छान लिया है अच्छे से। आपको भी इसी तरह से निकालना है, ये जूस नींबू का निकाला है मैंने और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है, इसमें कोई भी रेसे नहीं है। देखिए तो इस तरह का हमें जूस चाहिए। तो चलिए अब हम इसकी जो है लोशन बनाना शुरू करते हैं। तो लोशन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी लेंगे, इसमें हम मिक्स करेंगे सबसे पहले इन सारी चीजों को। तो हम एक ग्लिसरीन लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच लिया है और 2 चम्मच हम इसके ले लेंगे। बस हमें ये 1 हफ्ते तक का ही बनाना है। उसके ये गुलाब जल ले लिया है मैंने, और ये नींबू का जूस है, ये देखिए 2 चम्मच हमने नींबू का जूस ले लिया है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नींबू का जूस लिया है, 2 चम्मच गुलाब जल लिया है और 2 चम्मच ही मैंने ग्लिसरीन लिया है। इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरह से। आप देखिए ये बहुत ही अच्छा लोशन बनकर तैयार है, देखिए। तो अब इसको हमने इस कटोरी पे ही नहीं रखना है, ओपन करके नहीं रखना, ये वैसे खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए, तो इस लोशन को रखने के लिए हम ले लेंगे इस तरह का जो एक स्प्रे बॉटल आता है, आप देखिए ये स्प्रे बॉटल है, क्योंकि इसमें लगाने में बहुत आसानी होती है, वो गिरता नहीं, इधर उधर नहीं गिरता है। तो ये बॉटल आपको आराम से जो है जैसे मॉल वगैरह है ये दुकान पे आराम से 20-30 रुपए या 10 रुपए की ऐसे आ जाएगी, ये 15 रुपए की बॉटल है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आराम से आप इस बॉटल में रख सकते हैं और ऐसे स्प्रे करके इस तरह से हाथ में इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। तो आपको इस तरह के आप इस तरह की बॉटल भी ले सकते हैं, और जो ये मेडिसिन की बॉटल आती है ना, ये इस तरह की बॉटल भी आप ले सकते हैं। इसमें आराम से आप भर कर इसे साफ कर इसमें भर कर आप इस तरह से ले सकते हैं। और ये या तो फिर आपके पास इस तरह की कोई बॉटल हो, आप इस तरह की बॉटल में भी इसको डालकर इस तरह से आप ले सकते हैं। और या फिर आपके पास इस तरह की कोई बॉटल हो, ये देखिए, जिसके अंदर भी आप भरकर, जो कि इसमें जो है गिरता नहीं है क्योंकि ये पानी की तरह है, तो ये गिरता नहीं है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं आराम से। तो इस तरह की बॉटलों में आप भर सकते हैं आराम से इसे। तो मैं इसमें ये स्प्रे वाली बॉटल है मेरे पास, तो मैं इसमें जो है इसी से यूज करती रहती हूँ और जो है मैं इसी में ही इसे भरूंगी। तो आप देखिए इसको हम ले लेंगे और इसमें हम पूरा इसे भर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसमें भर दिया है और ये कितना है देखिए, बस ये मेरा 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद मैं दोबारा बना लूंगी। इसको बनाना बहुत आसान है, तो हम इसे ज्यादा भरकर नहीं रखेंगे, ज्यादा स्टोर करके नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें नींबू है तो ये नींबू से जो है ये खराब होने लगेगा, तो इसलिए हम इसे ज्यादा नहीं बनाएंगे। बस इसे बस थोड़ा थोड़ा बनाइए और यूज करिए और फिर जो है बनाकर रख दीजिए। देखिए इस तरह से आप इसपे ये देखिए ये, और आप इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं अपने फुल बॉडी पे, अपने हाथों पर, अपने पैरों पर, अपने फेस पर। ऐसा नहीं है कि इसको फेस पर नहीं लगाना है, इसको आप फेस पर भी लगाइए। आप जब भी नहा कर आते हैं हाथ पैर, या कभी आपको हाथ पैर धोना है, आपको ड्राई ड्राई सा लगता है, तो आप इसको लगाएंगे ना तो आपको वाकई ये अच्छा सा महसूस होगा। बहुत ही अच्छा जो है होममेड लोशन बनकर तैयार है ये। तो आप देख सकते हैं ये देखिए, इसको लगाते ही आपको इसका फर्क नजर आएगा, आप देख सकते हैं बहुत ही मुलायम हो जाते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो इससे जो है बहुत ही अच्छे से सॉल्व होगी।
ये मैं दावे से कह सकती हूँ क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ हर सर्दियों में। इसे यूज करती हूँ, इसमें ज्यादा ये भी नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं हम क्या लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है। और बहुत ही सस्ता जो है होम मेड लोशन जो है बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं ये कितना खर्च हुआ है, आप देखिए ये 2 चम्मच यहाँ से खर्च हुआ है। और ये कितना चलेगा पूरी सर्दियां जो है, ये आराम से चलने वाला है पूरी सर्दियां। और ये देखिए मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ ना, तो ये ग्लिसरीन आप देखिए ये कितना है अभी भी। और नींबू तो जो है हमेशा ही मार्केट में उपलब्ध रहता है, ऐसा नहीं है कि नींबू नहीं मिलेगा ऐसा। तो ये तीनों ही चीज आपको मिलानी है और इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये मैं देख सकते हैं कितना अच्छा जो है होममेड बॉडी लोशन बनकर तैयार है। और आप इसे फेस पर भी लगा सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ भी जो है हार्मफुल नहीं है जो कि आपके फेस को ये खराब कर देगा। गुलाब जल भी, ग्लिसरीन भी और नींबू भी जो है हमारे फेस के लिए अच्छा होता है। तो जो है इसमें बहुत ही अच्छी चीजें पड़ी हैं, आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपकी जो फटी एरिया है आप उस पर भी स्प्रे कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूं ही जो है आप अपना प्यार बनाए रखना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।